Hello everyone, I'm sure all of you are preparing really well for your class 10th exams. Now, when we talk about class 10th exams, we have this subject of English, which is a very important subject as it can really help us to boost our score. But uh, nowadays, the questions in English, uh, there are a lot of uh, long answer questions in English, right? When you have your writing section or you have your uh, questions of literature so what we have decided to do for you is that uh, we'll be coming up with some videos where i'll be picking one question from the question pool that we have and uh, and i'll tell you that how to go about that question i'll be giving you some basic basic pointers that you can use if that question comes in your exam so for the first question that we have for today is a very simple one i have kept it a very simple one it's a letter to editor uh, so this question is from sample papers, and uh, your name is Praveen here. You are 23 year old. Uh, no, no, you are uh, a resident of 23 Civil Lines, Jaipur. This is your address. You have to send a letter to editor. A very basic question, letter to editor question. Uh, just take care of the name uh, that is given to you and the address. It's not a Delhi address; it's a Jaipur address. So just make sure that you know you are writing it uh, using all the Jaipur reference.

सो जस्ट लर्न द फॉर्मैट इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मैट सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस आएगा जो इस केस में होगा आपका ट्वेंटी थ्री सिविल लाइन्स जयपुर फिर उसके बाद आपको डेट आपको द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स कस्तूरबा गांधी मार्ग की जगह वो लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है सो क्वेश्चन में आपको एडिटर इज दैनिक भास्कर सो यूल राइट दैनिक भास्कर जयपुर एंड देन जो आपका सब्जेक्ट है विच इज कंप्लेन रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट पावर आउटेज राइट पावर आउटेज मतलब पावर कट हो रहा है तो ये बेसिक फॉर्मेट है इसका उसके बाद आप अपना कॉन्टेंट पे आएंगे आप क्या लिखने वाले फर्स्ट पैरा आपने बहुत सिंपल रखना है आपने अपने आपको है कि आप कौन हो आप प्रवीण हो आप कहाँ से हो ठीक है उसके बाद आपका टॉपिक भी उसी पैराग्राफ में आ जाएगा कि आप क्या टॉपिक लिख रहे हो इन वन लाइन फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें आप अपने बारे में बता रहे हो और टॉपिक के बारे में बता रहे हो तो ये थ्री ऊपर नहीं होगा यूजली हम ये लिखते हैं जब भी हम लेटर टू एडिटर करते हैं थ्रू मतलब मतलब हमें एक कॉलम दे दो अपने न्यूज में डेली मतलब न्यूज तो आई प्रवीन कॉमन रेजिडेंट ऑफ सिविल्स वुड लाइक टू कार्व कार मतलब ड्रॉ दी अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है वो प्लीज इसमें ध्यान दे और इशू हमने लिख दिया लास्ट में कि हमारी जो है पावर सप्लाई वो बार बार जा रही है रेकरिंग पावर सप्लाई कट हो रही है ठीक है सेकेंड पैराग्राफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ यू इसमें आपका मेजर चंक आएगा मेजर चंक माने कि इसमें जो भी आपकी मेन प्रॉब्लम है वो इलाबोरेट करोगे अब कैसे करेंगे लेट्स तो आप ये लिखोगे कि कितना पावर कट होता है दिन में कितनी कितनी देर के लिए होता है ये बता दोगे अब आप जब प्रॉब्लम को इलाबोरेट करते हो ना तो आप क्या क्या करो आप प्रॉब्लम को हर एंगल से सोचो कि किस 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 टाइप के लोगों को किस टाइप की प्रॉब्लम होगी तो अगर मैं क्या करूँ इस प्रॉब्लम को एज वाइज स्प्लिट कर दू. कि भाई सीनियर सिटीजन को क्या प्रॉब्लम होती होगी अगर लाइट जाती है तो अः उनको ये प्रॉब्लम होती होगी कि उनको गर्मी लगती होगी या फिर उनको थोड़ा अपना रोज का जो काम है उसको करने में थोड़ी दिक्कत आती होगी डिस्कम्फर्ट फील होता होगा इन्फेंट्स को क्या होता होगा सेम सेम प्रॉब्लम कि दे दे माइट बी क्राइंग अ लॉट बिकॉज़ ऑफ दैट मस्किटोस माइट बी बाइटिंग देम बिकॉज़ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उस वजह से उनको दिक्कत हो रही होगी स्कूल गोइंग किड्स का क्या है कि उनका पढ़ाई में प्रॉब्लम होगा सुबह तैयार होने में प्रॉब्लम होगा तो वो आपको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा एस्पेक्ट्स को स्प्लिट कर सकते हो आपकी बिजनेस जो आसपास शॉप्स हैं इंडस्ट्रीज हैं उनको ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है उनकी एफिशिएंसी डाउन हो गई है बच्चों की एजुकेशन में दिक्कत है वाटर सप्लाई क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो यू वन बी एबल टू स्विच यू यू नो वाटर सप्लाई ऑल्सो इंटरनेट नहीं चलेगा तो ये सारी आपकी जो कनेक्टेड फैसिलिटीज हैं वो भी बंद हो जाती है इंटरनेट मतलब वाईफाई नहीं चलेगा और थर्ड पैराग्राफ में आप भी लिखोगे कि आपने आज तक इसको सॉल्व करने के लिए आपने अपने एंड से क्या किया है और आप आगे इनको क्या सजेशन देते हो और एक लाइन लिखोगे आप बहुत प्यारी सी अपील करते हो विच इज़ द क्लोजिंग लाइन तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर कि हमने बहुत सारी कंप्लेन अपील्स करी हैं बट कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई नहीं है आ, फिर आप और कॉन्टेक्ट्स भी सेट कर देते हो कि थोड़ा बुरा लग रहा है हमें डिसहार्टनिंग लग रहा है कैसी बेसिक नेसेसिटी इतनी अच्छे शहर में नहीं मिल रही है ठीक है जयपुर जैसे शहर में नहीं है बेसिक चीज तो उससे और थोड़ी प्रॉब्लम हाईलाइट हो जाती है अब आप क्या करोगे अपना सोल्यूशन uh, दोगे जो यहाँ पे लिख रखे हैं कि हमें आपको बेटर इंफ्रा बनाना चाहिए हम लोगों के लिए बेटर uh, ग्रिड्स बनानी चाहिए जिससे पावर सप्लाई आती रहे हमें रेन्यूबल uh, रिसोर्सिस पे शिफ्ट करना चाहिए मतलब कि जो uh, आपकी सोलर एनर्जी है विंड एनर्जी है इसके कुछ तरीके से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाए करप्शन नहीं होनी चाहिए जिसमें ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी होती तो है बट वो कहीं इधर उधर डाइवर्ट कर दी जाती है तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए और आ, लास्ट में आप एक ये लाइन लिखेंगे होप द कंसर्न अथॉरिटीज़ वॉन्ट स्लीप ऑन द इशू एनी फर्दर एंड कम अप विद प्रॉम्प्ट एक्शन कि जो भी एक एक्शन है वो वो ले सके और लास्ट में आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसमें ये आपकी फॉर्मेट का पार्ट होता है जिसमें आप योर सिंसेरली योर्स ट्रूली योर फेथफुली अपना नाम लिखते हैं यहाँ पे आपका नाम प्रवीण की जगह आएगा I hope this helped you. Uh, I'll be taking a lot of such questions. I'll be doing a letter to editor. I'll be doing some long answer questions of literature as well. And meanwhile, if you have any questions, Please please write in the comments. We'll try to answer them. We'll tell you that what all points to write for them. Thank you very much and keep preparing.